आज़ाद चाय वाला एक अच्छा कॉन्सेप्ट मुतारिफ़ करवा रहा है। मेरा दिल किया कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आ रहा है। आप ये वीडियो देखेंगे ना, 5 लाख इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ माहाना। तो दोस्तों, ये 1 करोड़ माहाना की तो गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इस वीडियो का और इस कॉन्सेप्ट का। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस कॉन्सेप्ट में प्रॉस ज़्यादा है कौन से, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें क्लैरिफाई होने वाली हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, शेयर करते हैं। तो बेसिकली ये जो है ना, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह से ये जो जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी ग्रॉसरी से रिलेटेड, या हमारे बिस्किट्स वगैरह हो गए, हमारी जो है ना साबुन, जो हमारी टॉयलेटरीज हो गई, ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये पाकिस्तान में बन सकती हैं, मैन्युफैक्चर हो सकती हैं। किस तरह से आप अपनी एक कस्टम प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे चाइना में क्या होता है, चाइना में एक ऐसी फैक्ट्री है जो फॉर एग्जांपल पैम्पर बना रही है, ठीक है, पैम्पर्स बना रही है। वो आपको क्या करेगी, बल्क में पैम्पर्स बना के देती है। अगर आप उसके ऊपर कोई भी ब्रांडिंग करवाना चाहें तो कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि मिडल मैन। तो ये इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। तो ये देखें ज़रा, और अब मालिक कैसे बनेंगे, आपको फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि आप लोगों ने वाइट लेबल करनी है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वाइट लेबलिंग। ऑलरेडी एक फैक्ट्री है, वो जो प्रोडक्ट बना रही होती है, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसी में कहते हैं ये जो लू कंपनी है, जो उसकी बिस्किट्स की, वो जितनी भी कंपनियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, या वो शुरू में क्या करते हैं, वाइट लेबलिंग करते हैं। जब उनकी सेल्स बहुत हो जाती है, वो सक्सेसफुल हो जाती है कंपनी, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग का लोकल प्लांट खुद लगाते हैं। तो इसलिए वाइट लेबलिंग का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि आप कंपनी से रब्ता कर सकते हो। जो बिस्किट बनाने वाली हैं, जितनी भी हॉट प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो हमारे पाकिस्तान में, उनकी कंपनियाँ भी तकरीबन फैक्ट्रीज भी पाकिस्तान में ही हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हो। मैं जैसे आपको कहता हूँ कि जो है ना, आप उसमें कर सकते हैं टेक्सटाइल में भी ऐसे बड़ी बड़ी जगह पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और लूमें लगी हुई हैं, लेकिन उन लोगों के पास ब्रांडिंग का तरीका नहीं होता। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे इस लिहाज से लगा, जिसको मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों ने ये देखें, जब ये यूनिलीवर अपनी सर्फ या सनशाइन या बाउंस या बोनस कोई भी बनाता है साबुन, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जो है ना, आपको वाइट लेबल करना आना चाहिए। तो जब आपने वाइट लेबलिंग किया, तो ये अपना एक वो कर रहे हैं, एक आप शुरू में प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करेंगे, तो ये लॉन्च पैड भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने वाइट लेबलिंग सीख ली, लॉन्च पैड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये है chaicon.com के नाम से। तो ये वहाँ पे एग्जीबिशन होगा। एग्जीबिशन में क्या होगा कि वहाँ पे आप अपना वो जो है ना, लोग आएंगे पूरे पाकिस्तान से जो बिजनेसेस में इंटरेस्टेड होंगे, तो वहाँ पे एक किस्म का, जैसे समझ लें कि एक प्रेजेंटेशन होगी। सब लोगों ने अपने जो आइडियाज़ हैं वो लगाए हुए होंगे, वहाँ पे स्टॉल लगाए होंगे अपने आइडियाज़ का। तो फिर वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स होंगे, पोटेंशियल इन्वेस्टर, तो वो आपके आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप उनको फ्रेंचाइज सेल कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप उसको बनाते हैं उसकी ना फ्रेंचाइज वहाँ पे सेल कर सकते हैं। शुरू में कुछ ऑर्डर आप प्रिपेयर करवा लें, 1-2 लाख 3 लाख जितना भी इन्वेस्ट करवाना है आपने कर सकते हैं। उसके बाद उसी प्रोडक्ट को ला के वहाँ पर आपने लॉन्च पैड के ऊपर जो है ना प्रेजेंट करना है। देखें ये आपको बताएंगे, हाँ यहाँ बता रहे हैं आपको, ये देखें वहाँ पे डेढ़ लगा देते हैं, आप एक छोटा सा 6x6 का स्टॉल देते हैं, वहाँ पे डेढ़ लगा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लोग आएंगे, आपको इन्वेस्ट करेंगे, तो जब वो इन्वेस्टर आते हैं तो आप उनको अपनी फ्रेंचाइज ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक सिटी में जो है ना आप फ्रेंचाइज ऑफर कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर एक तो फ्रेंचाइज की जो फी होती है वो चार्ज कर सकते हैं, उसके अलावा उनको कह देते हैं मिनिमम ऑर्डर हम आपको इतना देंगे। तो देखें दोस्तों, इसमें दो चार चीज़ें हैं जो पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों ने नज़र में रखने हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक तो एक पहला मसला ये आएगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली करनी है 100%। सेकेंडली, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जो है ना आपको बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, पैनाफ्लेक्स रखते हैं, उस पैनाफ्लेक्स पे लिखा होता है कि पाकिस्तान की ये 100 जो सिटीज है ना, यहाँ पे मैं आपको एजेंसी दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट की एजेंसी होती है कि नहीं होती। ये देखें, ये एजेंसी आप दे रहे हैं, कोई भी आपकी एजेंसी क्यों लेगा, उसकी वजह सोचें, वो आपकी एजेंसी क्यों लेंगे। अगर तो लेज़ की एजेंसी क्यों लेते हैं, लोग उनको पता है कि लेज़ की जो मार्केटिंग है, जो वो है, उसकी जो पब्लिसिटी है वो इतनी ज़्यादा है, लोगों के अंदर डिमांड है। लेज़ एक बार उन्होंने एजेंसी ले ली तो वो बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है, उनका निकल जाना सारा। लेकिन जब उन्होंने ये कोई ऐसी प्रोडक्ट, जो न्यू प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो रही है, तो उसकी मार्केटिंग नहीं हुई, उसकी जो है ना लोग जानते नहीं है उसको, और उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, क्वालिटी गोली मारो, जब तक लोग उसको जानते नहीं है, लोग उसमें इंटरेस्टेड कैसे होंगे, कैसे उसका ऑर्डर आएगा, डिमांड कैसे आएगी। तो आप लोगों ने इन्वेस्ट तो कर दिया, अगर आपको मार्केटिंग नहीं समझते, अगर आपको ब्रांड को बिल्ड नहीं करते, लेज़ कितना ज़्यादा स्पेंड करता है मार्केटिंग के ऊपर, एड्स के ऊपर, ये चीज़ यहाँ पे ही नहीं बता रहे। अब देखें, इनकी इनके लिए मैं इनकी रिस्पेक्ट भी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना थोड़ा सा दिमाग से सोचना ज़रूर है, ठीक है, कि
कि बिज़नेस को ओवरऑल समझना है आप लोगों ने, कि बिज़नेस की बिज़नेस में कभी भी ट्रिक्स नहीं चलती। तो ये जब बता रहे हैं कि आप वहाँ पे आएँ, आपने उसमें जाना है, लेकिन आप लोगों ने ये माइंड में रखना है वो 5 लाख से आपको जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, होप्स हो सकता है आउट ऑफ 100 आपके पास से एक लॉ ऑफ एवरेज अप्लाई हो, 100 में से एक बंदा आपको जो है ना वो, या 100 में से 10 बंदे आपकी फ्रेंचाइज बाय करना करने में वो इंटरेस्टेड हो जाए। हाँ, उस वक्त आपको सेल्स के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। आप लोगों के पास रोड मैप होना चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट को किस तरह से लोगों में नोन करवाएंगे और इसकी डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे, ताकि जो एजेंसी बनाने वाला है, जो एजेंसी आपसे लेगा, वो तो ये चाहेगा कि मैं एजेंसी की फ़ी जो पे कर रहा हूँ, मुझे इसकी पब्लिसिटी के ऊपर फ़ी ना पे करनी पड़ेगी, मेरे साथ डिमांड हो तभी तो मैं आपको पे करूँगा। जैसे पेप्सी की आप ले लेते हैं फ्रेंचाइज, या लेज की ले लेते हैं, या कोका कोला की ले लेते हैं, तो आपको पता है कि उसकी डिमांड ऑलरेडी है, सब लोग कहेंगे कोक मुझे चाहिए, लोगों में एक ब्रांड बन चुका है। तो उन लोगों को आप लोगों को ये सेटिस्फाई करवाना है कि आप इसकी मार्केटिंग के ऊपर क्या करने वाले हैं, मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं। सेकेंडली, देखिए, जब आपकी प्रोडक्ट थोड़ी सी फेमस हो जाती है, आपने उसमें मेहनत की, मार्केटिंग ये सारा कुछ किया, तो आप लोगों को उसके पैटर्न समझना आना चाहिए कि पाकिस्तान में कॉपी होना बहुत आसान है, पाकिस्तान में रेप्लिका बहुत बिकता है, क्योंकि उसी वही फैक्ट्री जो आपको बना के दे रही है, वैसा का वैसा फैक्ट्री बना के किसी और को दे सकती है, ये कोई और फैक्ट्री है जो आपकी कंपटीशन में सिमिलर चीज़ बना के आपके कंपेटिटर को दे सकती है। और इवन एजेंसी वाला है, अगर आपने सारी एफर्ट कर ली, जोड़ तोड़ कर लिया, उसके बाद आपने जो है ना प्रोडक्ट को सेल कर लिया, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना दी, उसके बाद वो जो है ना वही प्रोडक्ट कॉपी होके वही एजेंसी वाला आपकी प्रोडक्ट भी बेच रहा है, कॉपी भी बीच में डाल के बेच रहा है, तो कैसे पता चलेगा आपकी कॉपी है या नहीं है, तो उसके बारे में भी आपने सोचना है। तो दोस्तों, दो पॉइंट ऐसे हैं कि एजेंसी आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये जो इन्होंने बताया, और ये जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है ये भी बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि आपकी एजेंसी लोग तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक उनको ये श्योरिटी नहीं होगी कि आपकी प्रोडक्ट वो बाय तो कर लें लेकिन डेड हो जाए, उनके पास पड़ी रहे, उनके पास डिमांड ही ना आए। प्रोडक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, प्रोडक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप लोगों ने ये देखना है कि प्रोडक्ट सेल कितनी होगी, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। नंबर 3 के ऊपर मार्केटिंग आपके जिम्मे आएगी, जो भी एजेंसी सेल कर रहा है, ब्रांड ओनर है, मार्केटिंग उसके जिम्मे है। अगर आप मार्केटिंग में तगड़े नहीं है ना, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आप लॉस करेंगे, इवन दो उसके बाद भी आपको क्लेम होंगे, चार्ज बैक आएंगे। तो आप लोगों ने शुरू करना है ना, तो आप सबसे पहला जो स्टेप लें मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग से लें, और मार्केटिंग ही मार्केटिंग आपकी अच्छी है, मार्केटिंग स्किल्स आपके पास हैं, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखें, रियली इंप्रेसिव वीडियो है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, जो इसमें चीज़ें मिसिंग है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो दोस्तों, और भी प्रोडक्ट्स और जो वीडियोज़ को हम एनालिसिस करते हैं, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।